ओम शांति। आप सबका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 30 अगस्त के ईश्वरीय वरदान में, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि वो जो टॉलरेंस होती है ना, सहन शक्ति, आगे से सामने से कोई इंसान कुछ गलत कह रहा है, क्रोध में आके आपसे बात कर रहा है, क्योंकि वो इंसान अंदर से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, वो असंतुष्टता और दुख को जाहिर कर रहा है अपने क्रोध से, तो उस समय हमें करना क्या है? या तो हम फायर ब्रिगेड बन जाएं, या तो हम खुद ही फायर बन जाएं। तो परमात्मा देखें कहते क्या है आज। परमात्मा कहते हैं, परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा, परवश किसके पर के वश, किसी और चीज के वश। और ज्यादातर आत्माओं को गुस्सा तब आता है जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, जब उनकी इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं, जितना वो कर सकते हैं उससे भी ज्यादा होती हैं, या तो फिर उनको किसी को कंट्रोल करने की आदत होती है, वो किसी को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं कि अगर मेरे अनुसार चल जाए, मेरी बात मेरे अनुसार ही हर चीज हो, तब जा करके मैं संतुष्ट और खुश होऊंगा या होंगी। और फिर और क्या होता है कि वो हर चीज में गलतियां देखते हैं और वो हर चीज में औरों के साथ में तुलना करते रहते हैं। और जब आप तुलना करते रहोगे, आप कभी संतुष्ट नहीं रहोगे, कभी संतुष्ट नहीं रहोगे, आप इरिटेटेड रहोगे। आप इरिटेटेड रहोगे तो आप औरों को ब्लेम करोगे, तुम्हारी वजह से, 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 तुम्हारी वजह से। अगर तुम ऐसे ना होते तो ऐसा होता है, अगर ऐसे ना करते तो ऐसा होता है। और यही कारण है क्रोध का। तो इसका मतलब वो परवश है, किसी और के वश है, किसी और की वजह से क्रोध में, किसी और के कारण से क्रोध में है। और उनको बस अगर इतना समझ आ जाए कि मुझे परवश नहीं होना है, मुझे अपने मन को अपने वश में रखना है, अपने भावनाओं को अपने वश में रखना है, और हर एक आत्मा के पार्ट को मुझे साक्षी होकर के देखना है, और मैं केवल अपने आप को चेंज कर सकता हूँ, सबको नहीं। सबको करने चलोगे तो खुद ही मेंटल केस बन जाओगे, जिसको कहते हैं डिप्रेशन में आ जाओगे। तो परमात्मा कहते हैं, यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए, इमेजिन करिए इस चीज को, तो उसे परवश समझ अपने रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। अब वरदान देना तो बहुत बड़ी बात हो गई। सबसे पहले तो वो अगर चिल्लाते हुए आ रहा है, क्रोध में आ रहा है, तो पहले आपको कुछ शीतल होना समझना पड़ेगा। शीतल होने के लिए हम कुछ चीजें समझ सकते हैं, जैसे कि हमने पहले बातें करी, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, उसको किसी ने कुछ कह दिया हो सकता है, कि उसको डांट दिया हो सकता है, या उसके धन में कोई प्रॉब्लम है, उसके तन में कोई प्रॉब्लम है। कभी कभी किसी के तन में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो कभी अपने साथ संतुष्ट नहीं रहता है, अपने शरीर के साथ संतुष्ट नहीं होता है, तो उसको इरिटेशन आती है। कभी संबंधों में प्रॉब्लम होती है, कभी इतनी इच्छाएं होती हैं पूर्ति नहीं कर पाते हैं, कभी जेलसी होती है, कंपैरिजन होता है, कम कंपटीशन इतना करते हैं कि उनको क्रोध आता रहता है, वो आगों को औरों को जबरदस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनका किसी से कंपटीशन चल रहा है। तो ये सारी चीजें होगी परवश। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर? आप किसी को अगर चोट लगी है, ये भी चोट है ना, जेलसी भी एक चोट है, मन की चोट है, घृणा भी चोट है, नफरत भी चोट है, कॉम्पिटिशन करना भी चोट है, कंपेरिजन करना भी चोट है, इच्छाएं बहुत ज्यादा रखना भी चोट है, औरों को कंट्रोल करना भी एक चोट है। ये सारी मन की बीमारी है, मन की चोटें हैं। तो उसी तरीके से किसी इंसान को अगर चोट लग जाती है, वो गिर जाता है, आप जाके बोलते हैं अरे 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 आ जाओ आ जाओ, आपको उठा लेते हैं, क्या होगा, कहीं लगी तो नहीं आपको? लेकिन ये जो मन की चोटें जब होती हैं किसी के अंदर, तो हम उसको बदला लेना चाहते हैं। मतलब कि आप इमेजिन करिए, जिसको चोट लगी, जो गिर गया, आप उसको किक मारना चाहते हैं, आप उसको और गिराना चाहते हैं कि तू गिर और घिसट पैर और खरोच अपने आप को। हम यही चीज करते हैं जब कोई क्रोधी व्यक्ति आता है, तो हम उसको डबल क्रोध करते हैं, हम उसके ऊपर और चलाते हैं, हम उससे और बहस करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, ये तो वही बात होगी ना, क्योंकि गिर गया तो आप उसको दुलाते हैं और दो। तो कोई क्रोधी व्यक्ति आ रहा है, मतलब उसके मन की चोट है, आप उसको और क्रोध कर देते हो, उससे इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो मतलब आप उसको और चोटें पहुंचा रहे हो। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें फायर ब्रिगेड बनना है। परमात्मा कहते हैं हमें शीतलता के जल से, हमें सहन शक्ति होनी चाहिए, और वो सहन शक्ति जो हमारी है, सहन करने की शक्ति, वो तभी आ सकती है जब हम परमात्मा से जुड़े हों मेडिटेशन के द्वारा, और अपने आप को हम बेअंत आत्मा समझे, और हमारे अंदर के जो अभिमान है वो कम हो। क्योंकि कोई आपको तभी क्रोधित कर सकता है जब आपके अंदर बहुत अभिमान हो, आपके अंदर मैंपन बहुत, और आप अपने मन की, अपनी खुद की स्टेबिलिटी या तो धन के ऊपर रखते हैं, या तो अपने रूप रंग के ऊपर रखते हैं, या अपनी पोस्ट पोजिशन के ऊपर रखते हैं, या आपके एक्सपीरियंसेस का अभिमान है आपको, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, अभिमान क्रिएट करती हैं। और ये अभिमान के कारण क्या होता है, हमें क्रोध आता है जब इसको कोई ठेस पहुँचाता है तो, या इसको कोई चैलेंज करता है तो। परमात्मा चाहते हैं कि हम क्या करें, हम ये सारे अभिमान को खत्म करें, ताकि हमें चोट किसी की ना पहुंचे, कोई अगर गुस्से में भी आए हमें वो चोट ना पहुंचे, और हम उसको फिर भी शीतलता दे पाए। अगर खुद के अंदर अभिमान होगा और कोई अगर आपको आकर के गलत बोल देगा, तो आपका अभिमान इतने ऊंचा चढ़ जाएगा कि आपको अभिमान के कारण क्रोध आएगा,
तो आप शीतल कैसे हो पाएंगे? इसके लिए पहले अपने अंदर के वायरस, जिसको कहते हैं अभिमान, को निकालना सीखना है, जो कि हम सीखते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें। अगली बात, परमात्मा कहते हैं सहनशीलता की शक्ति से वरदान दो। जब अभी, परमात्मा कहते हैं, जब अभी चैतन्य में, फिजिकल फॉर्म में, वह संस्कार भरेंगे, क्या करने के, सहन करने के और उनको दुआएं देने के, तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनेंगे। जड़ चित्र कौन से हो गए? देवी देवताओं के चित्र में आपने देखा होगा, हाथ ऐसा सामने खड़ा होता है, देवी देवता खड़े होते हैं, वो हमेशा देते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, यानी कि वो रूठे हुए, हाँ देना पड़ रहा है, क्या करें, बड़े मुश्किल से, हाँ सहन कर लिए मैंने, ऐसे नहीं होते वो, उनकी शक्ल मुस्कुराती होती है और हाथ उनका देने वाला होता है, ना कि लेने वाला। लेने वाला मतलब प्यार से बात करो मुझसे, तुम कौन होते हो, ठीक से बात क्यों नहीं करी, अच्छे से तमीज से बात करो, ये हो गया लेने वाला। और देवता क्या होता है? देने वाला। चलो ठीक है, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, कर लेते हैं, अच्छा हो सकता गलती होगी मेरे से, हम कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, उनके अंदर नम्रता होगी, दिव्य गुण होंगे, तब जाके देवता कहलाते हैं। इसी के साथ ओम शांति।